वेलकम टू मुसाफिर समर। हम लोग बेसिकली वी कम फ्रॉम डुमरांव, एक छोटा सा कस्बा है, छोटी सी रियासत भी थी, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहबाद इन द ब्रिटिश एरा। अब तो बक्सर जिला आ गया है बिहार इंडिया में। तो हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि एक नक्षत्र बहुत सारा होता है, और खेती बाड़ी में जो है ना, इंडियन कैलेंडर अलग तरह का है, और कितना नक्षत्र है अथी है, उसी के हिसाब से वो लोग रोपनी से लेकर अथी तो हर काम जो है वो लोग उसी हिसाब से करता है। तो उसमें एक हथिया नक्षत्र है, अभी क्रॉस किया है। तो हथिया नक्षत्र के बारे में पिताजी अक्सर कहते थे कि उसी के पेट में जाड़ कहा जाता है, जाड़ा आने का जब शुरुआत जो है विंटर सीजन का, रेनी सीजन अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है, और ये विंटर मैंने अप्रोच कर रहा है, नॉक कर रहा है डोर पर। तो वो कहते थे, अक्सर समझाते थे हम लोग को, देखो कि इस करीब करीब 15-16 दिन का होता है एक नक्षत्र, तो उस चार चार दिन का बताते थे कि चार दिन हथिया में खूब बारिश होनी चाहिए, और ज़्यादा हथिया में बारिश ही होगी, लेकिन उसका भी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो बहुत हाई रहेगा शुरू में वो फर्स्ट फोर डेज, तो वो कहलाता था लोहा, ऐसा लोहा बरस रहा है। फिर नेक्स्ट फोर डेज हो जाएगा वो ताम्र ऐसा हो गया, मैंने उसका इंटेंसिटी थोड़ा घटेगा, और उसके फोर डेज के बाद फिर मैंने फ्रॉम 9th डे ऑनवर्ड वो सिल्वर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वाला चौथा दिन के बाद वाला चार दिन मैंने एंड जो फोर डेज है, तो उसमें सोना ऐसा मैंने झीसी पड़ेगा, हल्का अथी करेगा, और उसी में धान कहते थे कि ग्रो करता है तो तेज़ी से, मैंने अन्न जो पैदा होता है, हम लोग यहाँ खरीफ फसल ज़्यादा होती है बिहार में खास करके, तो उसमें बहुत तेज़ी से होगा, किसान इतना खुश रहेगा कि सुतार आ गए मैंने अच्छा पैदावार होगा, अच्छा कमाई होगा, अच्छा खान पान होगा, हर तरह वो सब चीज़ तो डिपेंड कर रहा है, किसान एग्रीकल्चर है, उसका टोटल जो फैमिली लाइफ है उसका हर चीज़ तो उसी पर डिपेंडेंट है ना यहाँ पर, और इंडिया में खास करके 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, वी आर अप्रोचिंग 132 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, उसमें 70% मैंने लगभग 100 करोड़ से ऊपर अभी भी गांव में बसते हैं, और अधिकतर का जो है पेशा जो है वही यही है। तो इसीलिए सोचा कि आप लोग से शेयर करें, खास करके यंगर जनरेशन सब नहीं जानते हैं कि क्या नक्षत्र है, क्या हथिया नक्षत्र क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और अब अन्न नहीं पहले अन्न दाता है किसान, जय जवान जय किसान हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहले ही कह गए, तो इसलिए इस चीज़ को हरदम ख्याल रखना कि अन्न ही जो है उसी के चलते हम लोग, हवा है, पानी है, अन्न है, अग्नि है, सूरज है, इसी के चलते हम लोग जिंदा है, नहीं तो लाइफ सस्टेनेबल नहीं रहता। तो इसलिए किसान को तो ड्यू रेस्पेक्ट देना होगा आपको, तो इसलिए सोचा कि बच्चों को ये बताना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम मुसाफिर समर। हम लोग उपलब्ध हैं इंस्टाग्राम पर भी, करीब 6,500 से ऊपर पोस्ट है, अराउंड द ग्लोब दुनिया घूमा है, रहा है बहुत दिन यूरोप में, हम लोग अभी भी अक्सर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों से शेयर किया, और यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर करीब क्या ऊपर 500 से ऊपर वीडियोस है, एनेक्डोट्स है, स्टोरीज है, कहानी है, इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं, कविता है, हंसी टट्टा का हंस बहुत तरह का चीज़ है उसमें, इट्स ऑल ओपन टू द पब्लिक फ्री, सो बेटर गो एंड एक्सप्लोर देम एंड होपफुली यू विल लव देम एंड यू एंजॉय देम। सी यू, बाय बाय।